दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये हमारे सामने कश्मीर लाल जी हैं और ये बहुत परेशान है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी जो है चार बच्चों को छोड़कर, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और किसी और के साथ भाग गई, ऐसा इनको डाउट है। तो ये फोटो है, आप ध्यान से देखिए, ये इनकी पत्नी है, रत्ना नाम है, ये देखिए ध्यान से देखिए, इनको पहचानिए। ये देखिए रत्ना नाम है, ये पुलिस में रिपोर्ट दी है इन्होंने, ये देखिए सेक्टर 8 थाने में रिपोर्ट दी है। मुकदमा 334 दर्ज है 24/5/2024 को। मुकदमा तो दर्ज है, अब इनको डाउट है कि किसी और के साथ भग गई। भाई साहब रो रहे हैं, इनके आंसू आप लोग देखिए, इनके आंसू देखिए, असली आंसू हैं। जब किसी की वाइफ इस तरह धोखा देती है और क्या पीड़ा होती है, आप लोग अंदाजा खुद लगा सकते हैं। भाई बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल रो रहे हैं, इनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। ये हमारे दफ्तर पहुंचे, हमारे ऑफिस पहुंचे हैं अपने सभी बच्चों को लेकर। ये देखिए ये दोनों बच्चे हैं और ये तीसरा बच्चा है। तीन ही बच्चे हैं भैया? अच्छा एक घर पे है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, दिखा दिए, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे दफ्तर पहुंचे हैं अपनी पीड़ा लेकर कि भाई पत्नी को ढूंढा जाए और इन जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ को वापस लाया जाए, ऐसी इनकी मांग है। कुछ इनके साथी भी हमारे दफ्तर पहुंचे हैं, तो फोटो फिर से दिखाएंगे, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे ताकि आप पहचानें, इसको समझाएं कि वापस अपने पति के पास चली जाए, बच्चों को संभाले। ये देखिए फोटो ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो आपका क्या नाम? कश्मीर सिंह। और महिला का क्या नाम? रत्ना। रत्ना आपकी पत्नी है? हाँ जी। कब शादी हुई? कितने साल हो गए? 12-13 साल है। अच्छा ये बच्चे आप दोनों से ही पैदा हुए हैं? हाँ जी। अच्छा तीन बच्चे यहाँ पर है, एक बच्चा घर पे है। अच्छा कब भगी है? 23 तारीख को। अच्छा कोई डाउट है, किसी के साथ गई हो, किसी से बातचीत करते है? अच्छा कल आई है 17-8 की मार्केट में। कल आई भी है? छोरा ने देखी है। आपने देखा बेटा? अच्छा ठीक है, क्या देखा? मम्मी को। किसके साथ? किसी के साथ भी नहीं। अकेली? तो बोलना चाहिए था मम्मी आ जाओ आ जाओ। बोला नहीं आपने? मम्मी को बुलाया नहीं आपने? मैंने मम्मी को आवाज दिया तो हाँ, वो एक टम्बू में बैठ कर भाग गई। भाग गई? अच्छा चलो भाई। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? तो वापस चाहते हो उनको? हाँ, वापस चाहते हैं, बच्चों का अपने ध्यान करें। अच्छा आए और ध्यान करे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई डाउट है कहाँ गई होगी? मुझे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता जिससे बातचीत होती थी उसकी। मैं वीडियो कॉल में जान देना। फोन है उसके पास? फोन है? है। अच्छा कौन सा फोन है? ये। अच्छा ये फोन डब्बा ले आए हो आप? है ये डब्बा है, रेडमी है बेटा? चलो आप भी फोन जानते हो, रेडमी 12C फोन है उनके पास। अच्छा फोन से बातचीत करती होंगी है लड़के के साथ। चलो जी हम तो कहेंगे उनको सद्बुद्धि मिले और ये बच्चों के बारे में सोचे। सिम स्विच ऑफ कर लीजिए भाई, दूसरी सिम डाल लीजिए फोन में आप। तो पहले वाला फोन स्विच ऑफ कर लिए इनका कहना है, दूसरी सिम डाल रखी है। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, पहले का नंबर 95-40-33-0-628। हाँ हाँ, नए का नहीं पता, नए नंबर नहीं पता होगा, नए नंबर। चलो जी कोई बात नहीं, आप लोग भैया थोड़ा सा मदद कर दें इनकी। ये देखिए फोटो ध्यान से देखिए, इन मैडम को आप कहीं भी देखें तो भाई इनके नंबर पर बताएं, ये नंबर है, ये दो नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। तुम्हारा क्या नंबर है याद है? मोबाइल नंबर ना ये कोई फोन हो पे फोन ले गई है। अभी कौन से नंबर से फोन करे थे आप? अभी जाइए तो कर रहा हूँ, तो मैं जो है वो आपके पास है? हाँ जी। तो याद नहीं है? याद नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, ये लास्ट में 32 है। हाँ जी यही नंबर है। हाँ, यही नंबर। तो चलो मैं बता देता हूँ, इनका नंबर है दोस्तों नोट कर लीजिए, 9540621632। इस नंबर पर आप लोग बता दीजिए ताकि ये अपनी पत्नी को वापस लाएं। परेशान बहुत हैं भैया, इनकी परेशानी को आप लोग समझ लें, महसूस भी करें, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे क्योंकि ये हरियाणा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हरियाणा पुलिस पैसा की भूखी है। चलो जी आपकी सुनवाई नहीं की होगी, कोई बात नहीं, ये फरीदाबाद वाले जो देख रहे हैं ये आपकी सुनवाई करेंगे, ये आपकी मदद करेंगे, आपकी पत्नी को कहीं भी देखें। सब बातें सादा है तो हमारी, अब पुलिस क्या करे, महिला खुद ही भग गई तो पुलिस की क्या गलती, ये महिला ने खुद धोखा दे दिया आपको। MI नंबर पंजाब में तो IMEI नंबर है, कह रहे हैं भैया उसको ट्रेस कर लो तो पता चल जाएगा ये मैडम कहाँ पर है। हाँ ये नंबर तो है MI नंबर। चलो जी कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है अब आपकी पत्नी
ये वीडियो देखकर वापस आ जाएं, नहीं तो कोई ना कोई उनको समझाएगा कि भाई तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पति रो रहा है ये देखिए, और ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तू वापस जा, अपने बच्चों को संभाल, वो इनको समझा देगा तो आपकी मदद हो जाएगी। भाई कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 8। सीही गांव सेक्टर 8 में रहते हैं दोस्तों, पानी टंकी के पास। पानी की टंकी के पास, चलो जी ठीक है, पानी की टंकी के पास रहते हैं। तो दोस्तों इनकी मदद कीजिए और इनकी पत्नी को वापस लाने में सहयोग दीजिए, कहीं भी दिखें उनको समझाइए कि तेरा पति रो रहा है, तेरे बच्चे रो रहे हैं, तू वापस जा। और तो और कुछ बोलोगे इतने भाई, डांट फटकार नहीं लगाओगे? है परेशान हो चुके हैं भाई, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो पत्नी वापस आ जाओ, इनका यही कहना है। तो फिर से जोड़ेंगे आपको जब पत्नी मिल जाएंगी, फिर से अपडेट देंगे। रत्ना नाम है इनका मैडम का, ये देखिए रत्ना नाम है। तो कहीं भी देखें जरूर बता दें भाई रत्ना यहाँ पर है। नमस्कार, जय हिंद।